हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने गेट 2022 अपियर किया था और अच्छी रैंक लेके आए थे। ओके, लाइक होता है ना कि हम अच्छी रैंक ले आते हैं बट हमें पता नहीं होता कि अब उस रैंक के बेसिस पे हम क्या कहाँ जाए, कहाँ अप्लाई करें। अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते भी है ना उसके बेसिस पे, तो हमें पता नहीं चलता कब वो निकल जाते हैं, कब वो चले जाते हैं, राइट? लाइक कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि हमें पीएचडी नहीं करनी, हम इसके बेसिस पे कोई जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो वही एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है फ्रॉम वन ऑफ द पीएसयू, दैट इज नालको, और उन्होंने गेट 2022 के बेसिस पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली है ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बस उसी के लिए वीडियो है। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी अगर सीट्स हैं, कब लास्ट डेट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रू गेट 2022। ओके, तो हम अभी ये थोड़ी सी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे लास्ट डेट क्या है एंड सब कुछ। ओके, तो मैं सब बस मेन मेन पॉइंट्स कवर करूँगी। लाइक फर्स्ट वन इज़ जो जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री की है, लाइक जिन्होंने गेट केमिस्ट्री दिया है जिसका कोड CY है, उनके लिए 13 सीट्स हैं। 5 UR दैट इज जनरल कैटेगरी, देन EWS के अंडर 1, एंड देन OBC के अंडर 4, एंड देन दिस इज ST और SC के अंडर 1 और 2। ओके, लाइक टोटल 13 सीट्स हैं केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज तो MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, देन नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर UR, EWS, OBC कैटेगरी के लिए, और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए MSc केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, लाइक फोर्थ सेमेस्टर में हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं मतलब वो अलग स्ट्रीम्स के लिए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में अपना गेट क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट इज एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट, या फिर आप ये बोल सकते हो जिनका बर्थ डेट 11/9/92 से पहले है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका इस डेट से बाद में है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाला, यानी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाले, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। लाइक सबसे पहले क्या होगा कि आपका कैसे शॉर्टलिस्ट हो गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट इज जो ऊपर क्वालिफिकेशन बताई गई है कि MSc केमिस्ट्री विद 65% मार्क्स एंड ऑल, वो सब कुछ आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अब आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए गेट 2022 का, ना कि 2021, 2020 या फिर मतलब पहले का गेट का स्कोर वैलिड नहीं माना जाएगा, 2022 का होना चाहिए। नेक्स्ट इज अब जैसे 13 सीट्स थी राइट, तो कितने शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब कि 13 सीट्स थी तो 130 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कैटेगरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 130 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, हर एक कैटेगरी में अगर 1 सीट है SC के लिए तो फिर वो 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स अंडर SC कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर द लाइक विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट इज फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल वेटेज होगी कि जो फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो किसके ऊपर बनेगी, आपके 90% आपके गेट स्कोर काउंट किया जाएगा एंड 10% आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में जितने मार्क्स मिले हैं आपका वो काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ये सब आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़, एंड जो बाकी अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स बच गए या फिर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं मतलब वहीं के, तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। ओके,
अप्लाई कैसे करना है, आप इस साइट पे जाइएगा www.nelcoindia.com, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मिलेगी आपको, मतलब अप्लाई न्यू यूज़र आपको रजिस्टर, एज ए न्यू यूज़र आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपके पास फॉर्म निकल आएगा। ओके, ये पेमेंट की सब चीज़ें दी हुई हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। दैट इज नाउ इज इम्पोर्टेंट डेट्स। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, मुझे भी थोड़ा लेट पता चला था, तो ऑनलाइन सभी ओपन सॉरी ये अप्लाई कब, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 11th अगस्त से, एंड इसकी लास्ट डेट है वो है 11th सितंबर। तो अभी भी थोड़े दिन ही बचे हैं, लाइक वन वीक बचा है, तो आप जो भी एलिजिबल हैं, जिनका भी गेट 2022 में अच्छा स्कोर था, वो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। सो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, आप प्लीज अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट जस्ट वन वीक बाद ही है, तो मिस ना हो जाए, मे बी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, अपॉर्चुनिटी हो, और या प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा, बाय बाय।